देख लो आप लोग, हम लोग एलबीएसएम कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट लो रिजल्ट लेने आ गया है और यही जगह हम लोग रिजल्ट मिल रहे हैं क्षेत्र में शिक्षा विनिर्देशन डिपार्टमेंट में। तो हे गाइस, सबको मेरा गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज वो दिन आ गया जब हम लोग कॉलेज जा रहे हैं अपना रिजल्ट और टीसी लाने के लिए। और फिलहाल अभी हम नहा के बाहर आए हैं, आज दूसरा कपड़ा भी पहन लिया है, टी शर्ट नहीं शर्ट और जीन्स पहन लिए ब्लैक वाला। और आज मम्मी नाश्ता में बनाई है तेल रोटी और चाय, मेरा ठंडा हो गया है तभी से, मम्मी तभी मेरा चाय गर्म कर दी थी पर अभी ठंडा हो गया, तो मम्मी अभी फिर से चाय गर्म कर रही है बाहर पे और मम्मी अंदर पे है। तो चलो आप लोग दिखाते हैं मम्मी को। देखो मम्मी, हाँ मेरे साथ हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। और मम्मी हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? गुड नाइट, गुड नाइट, कॉलेज जा रहा है ना? पता नहीं है प्रॉब्लम कब। मम्मी 200 रुपये हम कहाँ रख दिए? ए भगवान, मेरे भैया लो शोटो कब जाएंगे, इसीलिए पैसा मैंने मन नहीं करता। तो हे गाइस, हम अपना 200 रुपये कहाँ रख दिए? अभी यहीं पर रखा है। एक मिनट हम अपना फोन में चेक करते हैं। तो गाइस, मेरा 200 रुपया मेरे फ़ोन का कवर में था रखा हुआ, हम उसको रख के भूल गए थे, ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं, हम सौरभ, सुभाष और हम लोग का एक टू भैया, शुभम भैया नाम है उनका, तो उन्हीं के हम लोग ऑटो में जाने वाले हैं और ऑटो भी चलाते हैं, तो उन्हीं के ऑटो में हम लोग सब लोग जाएंगे, चारों लोग, और अपना रिजल्ट और टीसी लेकर आएंगे। अभी तो हमको टाइमिंग नहीं पता गाइस, कितना बजे से रिजल्ट और टीसी मिलेगा, तो आज जाएंगे तो सब कुछ पूरा ठीक से पता लगा के आएंगे और आप लोगों को ज़रूर बता देंगे कितना बजे से टाइमिंग है खुलने का, जो रिजल्ट मिलने का टाइमिंग है वो सब सब बता देंगे। और सबसे खास चीज़ है बास्केटबॉल कोर्ट दिखाना, और ज़रूर दिखाएंगे हम आप लोग को, आप लोग से ज़्यादा हम एक्साइटेड है वो देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इंतजार किए हैं उसके लिए। तो देखेंगे हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट भी, और भीड़ तो भाई है ही वहाँ पर जहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, वहाँ भीड़ तो है ही। और देखो आप लोग, पीहू भी आ गई अभी। हेलो गाइस, बोल दो ताई ताई करना, फिर ताई ताई करना, ताई 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 करना। तो गाइस, मेरा स्टोरेज अभी है 83%, समझो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ 83% है। तो कुछ कुछ मतलब जरूरी वाली चीज़ें का वीडियो बनाते हैं, अच्छा जरूरी नहीं है उसका भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि तुरंत स्टोरेज मेरा फुल हो जाएगा किसी चक्कर में, जो जरूरी है वो सब आज कॉलेज में बनाते हैं वीडियो सब, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे हम वीडियो में क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है। तो फिलहाल अभी नाश्ता करते हैं। तो गाइस, मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, 9:30 हो गया, और अपने साथ एडमिट कार्ड अपना ज़रूर ले लेना 12 क्लास का, नहीं तो आप लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड जमा लेगा उसके बाद ही आप लोग को 12 क्लास का रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं देगा, तो उसको भूलना मत। हम भी क्योंकि भूल जा रहे थे, भूल जाते हैं तो फिर हमको मिलता भी नहीं एडमिट कार्ड। और देखो मौसम आज पूरा अच्छा बनाया है, ठंडा मौसम है। तो वो लोग, आप लोग और एक बार बता दे रहे हैं, एडमिट कार्ड अपना ज़रूर ले लेना अपने साथ में, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट। तो चलो अभी हम लोग जा रहे अभी हम जा रहे डायरेक्ट सेंटर, वहाँ पर सुभाष मिलेगा। हाँ, वहाँ पे सुभाष मिलेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे चौक पे हम लोग को सब मिल जाएंगे, सौरभ और भैया मिल जाएंगे हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे मिल के वीडियो बनाते हैं। तो है गाइस, अभी हम लोग एजल चौक पे है और देखो सौरभ आ गया है और सुभाष भी। सौरभ गांव में था, कल आया ना सौरभ? हाँ कल ही थे। और बताओ कुछ अपने बारे में सौरभ। और क्या, सुभाष का तो आप लोग जानते ही हैं, वो एडमिशन ले चुका है, बस उसका पढ़ाई स्टार्ट होना बाकी है, जो कि अगस्त से होने वाला है उसका, अगले महीने से होगा मेरा पढ़ाई स्टार्ट। और फिलहाल अभी हम लोग टेम्पू वाले भैया का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो घर पे है, वो भी आ रहे हैं टेम्पू लेके, तो इसीलिए हम लोग इजल चौक पे है। तो अभी हमको कॉल किए थे, देखते हैं कब आते हैं। आ जाएगा वो, आगे किसका टेम्पू है, आगे से भी फिर भी कैसे आएगा वो, ठीक है गाइस। अभी डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग से कॉलेज में। देख रहे गाइस, यहाँ पर शुभम भैया पहले से आके बैठे वेट कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग उधर में है पीछे तरफ। चल 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 चल, बैठ।
चलो कॉलेज। तो है गाइस अभी हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं। कॉलेज हम लोग का पीछे तरफ है, उस साइड है, देखो कॉलेज का ही बाउंड्री है जो आप लोगों को दिख रहा है। और कॉलेज अभी पूरा चेंज हो गया है, तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं अभी। और हम लोग ऑटो इधर लगा दिए। तो ये देख लो गाइस सब लोग भीड़ देख रहे, कैसे गाड़ी सब पूरा लगा हुआ है, गाड़ी साइकिल देख रहे हो। एलिवेशन कॉलेज का भीड़ जो एडमिशन तक रहेगा, एडमिशन के बाद ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो आप लोग अभी दिख रहे हैं। तो है गाइस हम लोग रिजल्ट लेने आ गया है, और यही जगह हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है पीछे तरफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। देखो खिड़की में पूरा लाइन लगा हुआ है, हम लोग अपना भैया को वहाँ पर खड़ा कर दिया है, वो अभी लेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट घूमने के लिए जा रहे हैं, चलो जो आप लोग से वादा किया था कि आप लोग को दिखाएंगे बास्केटबॉल कोर्ट, तो चलो वहीं पर चल रहे अभी। ठीक है इधर हम लोग अभिषेक भाई है, देख लो उसको, और है इधर सब छपरी 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 नहीं सॉरी निकल गया। सब पहले से यहाँ पे आके बैठा हुआ है, इधर हम लोग सब गेम खेल रहे हैं फ्री फायर। फिलहाल हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट देखने जा रहे हैं कैसा बनाया है, कैसा बनाया है क्या बोलता है उसको। चलो चलो और लड़का हम लोग ले जो आए समझ लेना बूंदों सुबह धूप तुमको सताए समझ लेना किरणों कुछ कहो क्या ना। देख लो आप लोग हम लोग एलिवेशन कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट जो कि झंडा वाला कलर का बनाया हुआ है अभिषेक जो अभी क्या। तो है गाइस हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट आप लोगों को दिखा दिया, देखो बास्केटबॉल कोर्ट अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अपना रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है वहीं पे जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग भैया फ़ोन करके बुला रहे हैं लगातार। तो ये वाला कॉमर्स रूम का तरफ है जहाँ पे कॉमर्स का पढ़ाई होता है, लेकिन बास्केट वॉलीबॉल खेलने के लिए बनाया गया क्या है, नेट लगाने के लिए पूरा बनाया है। ठीक है गाइस यहाँ पे अभी लाइन लगा हुआ है एडमिट कार्ड के लिए, मतलब रिजल्ट के लिए। निकलना है और यहाँ पे आप लोग को अपना एडमिट कार्ड जमा देना है, फिर जाके आप लोग को मिलेगा रिजल्ट। घर ये गांव ज्यादा लाइन लगना नहीं पड़ेगा। हम लोग भैया देखो वहाँ पे खड़े हैं, हम लोग ने अपना सब जमा दे दिया है एडमिट कार्ड सब चारों का, अभी हम लोग का नाम बुलाया जाएगा उसके बाद हम लोग को मिलेगा। सुन ना हम लोग थोड़ा पानी पी गए गाइस, हम लोग का सौरभ भाई अभी 3 बजे का ट्रेन से निकलने वाला है घर, है ना, उसको जल्दी थोड़ा इसे रिजल्ट दिलाना पड़ेगा, रिजल्ट और टीसी भी। भाई को बहुत सारा काम है अभी, उनका एडमिशन लेना है आईटीआई पे। तो ठीक है आप लोग का आपका कर देते हैं, टीसी उसी दिला देते हैं, कम है ना तो क्या चिंता, दिला देंगे। फाइनली गाइस हम लोग अपना मार्कशीट मिल गया सब लोग को इधर, और अभी हम लोग का सिर्फ टीसी बाकी रह गया है, मेरा तो ज़रूरी नहीं है लेकिन सौरभ का टीसी दिला देता है जैसा भी करके आज। चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, फिर भी आज तो नहीं मिलेगा टीसी तुमको, टाइम लगेगा उसके लिए। तो सभी हम लोग चलने वाले घर डायरेक्ट खड़ा, ये देख लो मेरा पूरा ओरिजिनल। तो है गाइस सभी हम लोग सौरभ भाई टीसी के लिए फॉर्म भरा, देखो ऐसे वाला फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, इसको भर के आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है और आप लोगों को फॉर्म जो है यहाँ पे मिल जाएगा ऑफिस में टीसी के लिए। तो ठीक है गाइस आप लोग को ये ऑफिस आ जाना है, अगर आप लोग को टीसी चाहिए तो उसके लिए आप लोग को फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा क्योंकि उधर एक ऑफिस है वहीं पे मिल जाएगा आप लोग को। बैठने का जगह नहीं मिला सबको, चलो बैठ कर आराम से पढ़ते हैं। तो है गाइस हम आ गए हैं कॉलेज से घर, और हम लोग टीसी के लिए फॉर्म भरे थे पर अभी तक फॉर्म जमा भी नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग जब फॉर्म जमा करने जा रहे थे ना टीसी का, तो हम लोग को बोला गया कि आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइब्रेरी जाके सिग्नेचर और वहाँ पे स्टाम्प लगा के आइए, तो उसके बाद आप जाइए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे वेरीफाई की कराइए, और उसके बाद फिर एक तो ऑफिस जाना है वहाँ पे चालान लेना है, 100 रुपया लगेगा चालान का, मतलब टीसी लेने के लिए 100 रुपया लगेगा।
तो वही रख चलान फिर बैंक में जाकर जमा कीजिए, फिर आके जमा दीजिए, आपका फिर टीसी आपको एक हफ्ता के बाद मिलेगा। तो सोचिएगा टीसी लेने के लिए भी लास्ट वहाँ फॉर्म का नीचे लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम आपका एक हफ्ता लग सकता है टीसी लेने के लिए। तो आज तो हम लोग का कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आज लाइब्रेरी बंद था पूरा। लाइब्रेरी कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, आज बंद था। तो कल हम लोग जाने वाले हैं लाइब्रेरी, कल कॉलेज जाएंगे और कल देखेंगे कि लाइब्रेरी खुला है कि नहीं। फिलहाल आज तो रिजल्ट के लिए बहुत लंबा लाइन लगा था, जब हम लोग ले रहे थे उस टाइम तो इतना लंबा लाइन नहीं था, उसके बाद जब हम देखे तो इतना ज़्यादा लंबा लाइन ना कि मत पूछो, पूरा लंबा लाइन। ठीक है गाइस, अगर आप लोग में से किसी को भी टीसी निकालना है तो आप लोग मेरा वीडियो देखना, मैंने कहा था कि आप लोग को यहाँ से फॉर्म लेना है, जो हम लोग का साइंस वाला रूम है, जहाँ साइंस वाला का पढ़ाई होता है वहीं पे एक ऑफिस है, जहाँ प्रिंसिपल सर का ऑफिस है उसका सामने वाला ऑफिस में आप लोग जाइए, वहाँ पे फॉर्म मिलता है, वहाँ पे फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए और उसके बाद फॉर्म में स्टाम्प भरा कराइए और साइन करा कराइए, उसके बाद जाके चलान लीजिए, चलान जाके बैंक में जमा कीजिए और आपका टीसी मिल जाएगा आपको एक हफ्ता तक। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना था गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।